हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया कोचिंग क्लासेस। मैं हूँ राज मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल एंड आसान सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोएम दी लेवरम टॉप। दी कितना और आसान और सिंपल है, आपको आसानी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाने में सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोएम दी लेवरम टॉप, यानी कि हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। ठीक है, रिटन बाई टेड हक्स, ये मतलब कि लेखक हैं कवि टेड हक्स। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेंट्रल आइडिया। देखिए देखिए, यहाँ पर हमारा जो है ना लिखा हुआ है दिस पोयम। ठीक है, इन दिस पोयम द पोएट टेड हक्स टेल्स अस दैट इट इज़ एन आफ्टरनून ऑफ सितंबर। यानी कि इन दिस पोयम, इस पोयम के पोएट यानी कि लेखक टेड हक्स कहते हैं कि इट इज़ एन आफ्टरनून ऑफ सितंबर, ये सितंबर का आफ्टरनून यानी कि सितंबर का दोपहर है। ठीक है, द टॉप ऑफ द लेवरनम ट्री, यानी कि जो छोर है यानी कि लेवरनम ट्री का पेड़ का जो ऊपर का छीरा होता है, ठीक है, वो इज साइलेंट एंड कम्प्लीटली मोशनलेस, वो बिल्कुल शांत और कम्प्लीटली मोशनलेस है, यानी कि इसमें कोई भी मतलब कि परिवर्तन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। ठीक है, देन ए गोल्ड फिंच कम्स एंड गोज इनसाइड ऑफ द ट्री। गोल्ड फिंच एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, गोल्ड फिंच कम्स एंड मतलब कि आती है और चली जाती है इनसाइड ऑफ द ट्री वेयर हर यंगनेस आर इन ए नेस्ट, जहाँ पर जो एक नेस्ट है जिसमें उसके बच्चे जो है ना बैठे हुए हैं। ठीक है, रहते हैं। सीइंग द मदर, उन्होंने जब अपनी माँ को देखा, ठीक है, द यंगनेस स्टार्ट चिरपिंग, वो चीखने लगे, चिरपिंग करने लगे यानी कि चहचहाने लगे। ठीक है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, जो मतलब कि ट्री था वो पहले शांत था और अब खुश हो गया, यानी कि ट्रेम्बल करने लगा, हिलने लगा, खूब हो गया। ठीक है, एंड थ्रिल्स यानी कि चहचहाने लगा, वो भी एक टाइप से हिल, बहुत खुश हो गया, मतलब कि सी फीड्स हर यंगनेस टू हर फील्स, वह अपने बच्चों को भोजन कराती है अपनी चों से। ठीक है, करा रही थी। द सी कम्स आउट ऑफ द ट्री, फिर वह पेड़ से बाहर आई यानी कि आउट ऑफ द ट्री। ठीक है, एंड फ्लाइज अवे विद स्ट्रेंज साउंड टुवर्ड्स, और पेड़ से बाहर उड़ गई बहुत तेज स्पीड में। ठीक है, स्ट्रेंज साउंड टुवर्ड्स यानी कि बहुत विचित्र आवाज़ के साथ। ठीक है, दी स्काई आसमान की तरफ। द ट्री बिकम्स साइलेंट अगेन, फिर से एक बार हमारा जो ट्री था वो फिर से साइलेंट सन और आराम से फिर से बसा हो गया जैसे वो पहले था। ठीक है, ये कितना सिंपल और आसान है, बस आपको एक बार फिर से मैं टोटली इंग्लिश में आपको रिपीट कर देता हूँ। इन दिस पोएम द पोएट टेड हक्स टेल्स अस दैट लाइफ इज दैट इट इज एन आफ्टरनून ऑफ सितंबर, द टॉप ऑफ द लेवरनम ट्री साइलेंट एंड कम्प्लीटली मोशनलेस, देन ए गोल्ड फिंच कम्स एंड गोज इनसाइड ऑफ द ट्री वेयर हर यंगनेस आर इन ए नेस्ट, सीइंग द मदर द यंगनेस स्टार्ट चिरपिंग, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, सी फीड्स हर यंगनेस टू देयर फील, द सी कम्स आउट ऑफ द ट्री एंड फ्लाइज अवे विद स्ट्रेंज साइलेंट साउंड टुवर्ड्स द स्काई, द ट्री बिकम साइलेंट अगेन। ठीक है, सिंपल रास्ता है, आपको जल्द से जल्द याद रहेगा। धन्यवाद, अगर आपने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।